वहीं सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। विधायक राजेंद्र राणा ने बैठक के दौरान सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे नेशनल हाईवे के काम में देरी के लिए अधिकारियों की क्लास लगाई और सड़क कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को दूर करने की बात की। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हमीरपुर से अवा देवी वाया टौणी देवी नेशनल हाईवे काम में गुणवत्ता नहीं बढ़ती जा रही। अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं बैठक में और साथ में मॉर्फ जो है वो भी उनके अधिकारी भी थे और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गावर कंपनी है उनको भी बुलाया था। आप जानते हैं कि हमीरपुर से ये लगभग सरका घाट तक ये 40 किलोमीटर का जो रोड नेशनल हाईवे 03 बन रहा है इसमें लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि इसमें जो पाइप लाइनें हैं या लोगों को पानी के कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। 15-15 दिन महीना महीना एक महीना लोगों को पानी नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने इससे पूछा है कि जो मॉर्फ का इस कावर कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में ये तय है कि आप किसी भी पाइप को आप उखाड़ेंगे तो इसको रेस्टोर भी साथ साथ में करेंगे।